अगर आप पबजी खेलना पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पर ये खबर आपको खुशी देगी। सरकार ने देश में पबजी से बैन हटा दिया है। जी हाँ, पबजी फैंस के लिए खुशखबरी है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को जुलाई 2022 में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब BGMI खेलने वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि ये गेम दोबारा लौट रहा है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वापस आ रहा है और जल्द ही देश में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन इसे फिलहाल 3 महीनों के लिए अप्रूवल मिला है। भारत में बैन होने के लंबे समय बाद BGMI फिर से वापसी कर रहा है। इस गेम को लेकर कंपनी के CEO ने भी जानकारी दी है। बता दें कि BGMI कोई और नहीं बल्कि पबजी मोबाइल इंडिया का रीब्रांडेड वर्जन है, जिसे क्राफ्टन ने कुछ बदलाव के साथ लॉन्च किया है। क्राफ्टन का पॉपुलर बैटल रॉयल गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की भारत में वापसी होने वाली है। इस गेम को लगभग 10 महीने पहले सरकार के फैसले के बाद बैन कर दिया गया था। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर ने भी इस गेम को रिमूव कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से गेम वापसी कर रहा है। क्राफ्टन ने इसकी आधिकारिक रूप से वापसी की पुष्टि भी की है। क्राफ्टन इंडिया के CEO सीन ह्यूनील सोन ने इसकी वापसी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हम भारतीय अथॉरिटीज़ के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने को मंजूरी दी है। पिछले महीनों में सपोर्ट और धैर्य रखने के लिए हम भारतीय गेमिंग कम्युनिटी का भी आभार व्यक्त करते हैं। बता दें BGMI को सुरक्षा कारणों से पिछले साल एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। पबजी मोबाइल को सुरक्षा कारणों और चीन से लिंक के कारण भारत में बैन किया गया था। पबजी को सितंबर 2020 में बैन किया गया था। इसके बाद इसकी कंपनी ने नए अवतार में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से इसी गेम को दोबारा भारत में लॉन्च किया, लेकिन इसे भी एक साल पहले जुलाई में सरकार ने बैन कर दिया। दरअसल क्राफ्टन को चीन की टेंसेंट का समर्थन प्राप्त है। इसी दौरान चीन का लद्दाख में तनाव और डेटा शेयरिंग चिंताओं के कारण इसे दोबारा बंद कर दिया गया था। भारत सरकार ने भले इस ऑनलाइन मोबाइल गेम को भारत में तीसरी बार कदम रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन 3 महीनों के दौरान सरकार और एजेंसियों की पैनी नजर इस पर होगी। 3 महीने के दौरान अगर डेटा सिक्योरिटी और सर्वर लोकेशन से संबंधित किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो खेल पर दोबारा बैन लगा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गेमिंग कंपनी द्वारा सर्वर स्थानों और डेटा सुरक्षा के मुद्दों के अनुपालन के बाद ये 3 महीने की परीक्षण स्वीकृति है। इन 3 महीनों के दौरान सरकार ये भी देखेगी कि कहीं यूजर को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं यूजर को इसका एडिक्शन तो नहीं हो रहा है। IT मंत्रालय ने अन्य चीनी ऐप्स के साथ BGMI के पहले अवतार पबजी पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि वे ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। बता दें BGMI को जब भारत में बैन किया गया तब वहाँ इसके 100 मिलियन से ज्यादा यूजर थे। एक सरकारी निर्देश के बाद आपको अल्फाबेट इंक के गूगल प्ले स्टोर, एप्पल इंक ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि उसने सभी भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं और अपने खिलाड़ियों को सुरक्षित और सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अथक रूप से काम करना जारी रखेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।